Hello students welcome to shweta yadav tutorials please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates in the last video we have discussed about the complementary gene complementary gene is a kind of non allelic gene interaction same in this manner in the non allelic gene interaction the second kind of interaction is apace.

और फिनोटाइप को चेंज कर देते यहां पे भी फिनोटाइप बदल जाता है सो इन दिस इंटरेक्शन वन नॉन एलील इन दिस वन नॉन इंटरक्शनिक जीन सप्रेस और प्रिवेंट द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ नॉन जीन यहां पे थोड़ी सिचुएशन अलग है सिचुएशन कैसे अलग है एपिस्टेसिस एपिस्टेसिस में जब दो जीन आपस में इंटरेक्ट करती हैं, एपिस्टेसिस में जब दो जीन आपस में इंटरैक्ट करती हैं, तो एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को दबा देता है सप्रेस कर देता है मास्क कर देता है क्लियर जब एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को दबा देता है तो एक जीन कैसा हो गया प्रभावी और एक हो गया बेचारा दबने वाला तो दो टाइप के जीन हो गए जो जीन एक दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को दबा देता है उसको हम कहते हैं एपिस्टेटिक जीन और जिसका एक्सप्रेशन दब जाता है उसको बोला जाता है हाइपोस्टेटिक जीन सो so, एपिस्टेटिक जीन जीन विच इनहिबिट और सप्रेस इनहिबिट और सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनादर जीन एक जीन जो दूसरे जीन का एक्सप्रेशन रोक रहा है दैट इज एपिस्टेटिक जीन वो एपिस्टेटिक जीन है और बेचारा जो दब रहा है एपिस्टेटिक जीन के होने की वजह से दैट इज हाइपोस्टेटिक जीन सो हाइपोस्टेटिक जीन क्या है जीन एक्सप्रेशन सप्रेस हो गया है तो एक सिचुएशन ले लेते है। मान लीजिए दूसरा जीन है क्लियर या हम कोई कंडीशन मेंशन नहीं कर रहे तो जिस जीन ने दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया जिस जीन ने दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया तो जिसने रोका जिसने रोका वो हो गया एपैटिक जीन और जिसका एक्सप्रेशन रुक गया दैट इज हाइपोस्टैटिक जिसका एक्सप्रेशन रुक गया उसको हम बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन क्लियर तो ये सिचुएशन समझना बहुत जरूरी है हाइपोस्टेटिक और एपिस्टेटिक जीन कौन से होते हैं अब जब हम एपिस्टेसिस की बात करते हैं तो ये दो टाइप का होता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड एपिस्टेसिस। दो सिचुएशन में हम इसको पढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस की इन दिस इंटरेक्शन डोमिनेंट अल ऑफ एपिस्टेटिक जीन एक्सप्रेशन ऑफ अदर नॉन अलिलिक जीन सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि डोमिनेट एपिस्टेसिस क्या होता है डोमिनेट एपिस्टिस वो कंडीशन होती है जहां पे एपिस्टैटिक जीन डोमिनेंट होती है सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि द सिचुएशन इन विच द एपिस्टेटिक जीन सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन एंड दिस एपिस्टेटिक जीन आर प्रेजेंट इन देयर डोमिनेंट फॉर्म एपिस्टेटिक जीन डोमिनेंट फॉर्म में है और दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक रही है दैट इज डोमिनेंट नाम से पता चल रहा है कि एपिस्टेटिक जीन डोमिनेंट नेचर के बिल्कुल सीधा सा मतलब ये है यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम कुकर बिटा पेपो दैट इज समर्टेंट क्वेश्चन कैसे आते हैं कि इनका रेशो पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑल्टर क्या हो रहा है फिनोटिपिक रेशो ऑल्टर हो रहा है तो जब फिनोटिपिक रेशियो ऑल्टर होता है मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशो है वो बदल जाता है जब रेशियो बदल जाता है तो एक नया फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन बनता है तो क्वेश्चन उसी नए फिनोटेपिक कॉम्बिनेशन पे आता है और एग्जाम्पल पे आता है तो यहां डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल है कुकुडबिटा पैपो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं जर्नल लैंग्वेज में बोलते हैं समर स्क्वैश क्लियर अब यहां पे हम अलग अलग सिचुएशन देख रहे हैं बहुत छोटी सी चीज है बहुत ध्यान से समझनी है वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द एपिस्टेटिक जीन राइट व्हाट इज एपिस्टेटिक जीन ऐसी जीन जो अपने वजह से किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक रही है अगर यही एपिस्टेटिक जीन अपने डोमिनेंट फॉर्म में है तो यह डोमिनेंट एपिस्टेसिस है वही यह अपने रेसेसिव फॉर्म में है तो रेसेसिव एपिस्टेसिस है तो सबसे पहले हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस की बात कर रहे हैं इस डोमिनेंट एपिस्टेसिस में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कुकुरबिटा पेपो का क्लियर है अब इस कुकुर बेटा पेपो में कंडीशन क्या है बहुत ध्यान से समझना है इस कुकुर बेटा पेपो में कंडीशन है कि यहाँ पे येलो एंड ग्रीन एंड वाइट तीन तरह के कॉम्बिनेशन मिलते हैं आउटकम्स मिलते हैं और ये आउटकम्स कैसे मिलते हैं तो यहाँ पे अगर हम सिचुएशन देखें तो यहाँ पे डोमिनेंट एपिस्टेसिस में जो डोमिनेट कर रही है वो है डब्ल्यू नाम की डोमिनेटिंग जीन डब्ल्यू वाली डोमिनेटिंग जीन सभी पे डोमिनेट करेगी सबसे पहली बात ये क्योंकि डोमिनेंट एपिस्टेसिस है और ये जो डब्ल्यू है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाइट कलर किसके लिए जिम्मेदार है वाइट कलर के लिए अब कोई भी सिचुएशन आ जाए इसके सामने कोई भी दूसरा अलील आ जाए ये उसके एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस ही नहीं होने देगी तो जो भी हमें सिचुएशन मिलेगी उसमें आउटकम वाइट ही मिलेगा क्योंकि ये ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस शो कर रही है ये दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर रही है तो सिचुएशन देखते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर है कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई W इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट कलर एंड वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर क्लियर है अब ऐसा हमने क्यों लिया हमने यहां पर हम भी करके देखेंगे येलो लिया एंड ग्रीन लिया और उनको क्रॉस किया जब हमने यहां पर उनको क्रॉस किया तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे आउटकम्स हमें मिलेंगे तो यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई नेक्स्ट स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर सेम सिचुएशन है क्लियर है तो यहां पे, जहां पे भी कैपिटल W है वहां पे वाइट आएगा दूसरा कोई भी एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा यहां पे वाई एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है यहां पे स्मॉल Y एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कैपिटल W क्या है एपिस्टेटिक जीन और जो दब रहा है इससे दैट इज कैपिटल वाई वाई कैपिटल कैपिटल क्या हो गया? हो गया गया जीन क्लियर है तो डब्ल्यू की वजह से कैपिटल वाई दिखाई नहीं दे रहा है चाहे वो अपने डोमिनेंट फॉर्म में है तो भी वो दिखाई नहीं दे रहा क्लियर अब मान लीजिए ये सिचुएशन है स्मॉल डब्ल्यू एंड कैपिटल वाई तो यहां पे कैपिटल वाई एक्सप्रेस करेगा और जहां पे सिचुएशन सारी रिसेसिव की है वहां पे कलर मिलेगा ग्रीन तो यहाँ पे तीन कलर मिलेंगे वाइट येलो एंड ग्रीन क्लियर तो यहां पे तीन कलर तो हमें कैसे मिलेंगे सिचुएशन कैसे आएगी वाइट क्रॉस विद ग्रीन वाइट को किसके साथ क्रॉस कराया ग्रीन के साथ क्रॉस कराया? कराया जब व्हाइट को ग्रीन के साथ क्रॉस कराया तो यहां से गैमेट बना कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई यहां से गैमेट बना स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई और इससे हमें मिल गई एफ वन जनरेशन दैट इज ऑल वाइट सारे के सारे वाइट थे क्यों थे वाइट इसलिए थे क्योंकि ये है डोमिनेंट जीन और डोमिनेंट जीन का भी कैसा एपिस्टैटिक जीन विच मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन दैट इज हाइपोस्टैटिक जीन इसके एक्सप्रेशन को इसने मास्क कर दिया छुपा दिया ऑल दो ये डोमिनेंट में है फिर भी दिखाई नहीं देगा ये F1 मिल अब F1 को F1 से करेंगे, करेंगे, तो हमारे पास कितने आउटकम्स आएंगे हमारे पास फिर आउटकम्स आएंगे अब सिक्सटीन आउटकम्स आएंगे तो यहाँ पे सारे आउटकम्स हम देख रहे हैं सारे आउटकम्स हमने लिख लिए ऑल द आउटकम्स आर हेयर नाउ कैपिटल डब्ल्यू जहां जहां पे है जहां जहां पे भी कैपिटल डब्ल्यू है वो हर किसी को मास्क कर देगा इसके सामने कोई भी होगा ग्रीन होगा उसको भी मास्क करेगा येलो होगा उसको भी मास्क कर देगा क्लियर है इसने मास्क कर दिया इसने अपने एक्सप्रेशन की वजह से दूसरे के एक्सप्रेशन को शो नहीं होने दिया तो यहाँ पे सारे वाइट यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू जो है वो एपिस्टेटिक जीन नहीं है तो यहाँ पे कैपिटल वाई एक्सप्रेस होगा तो यहां पे येलो नजर आएगा अब यहां पे सारे ही रेसेसिव हैं तो यहां पे स्मॉल अगेन इज नॉट अ एपिस्टेटिक जीन सो हियर वाई विल एक्सप्रेस तो यहां पे बनेगा ग्रीन तो ये आउटकम्स आ गए तो यहां पे F2 सिचुएशन हमें मिली अब यहां पे हमने क्या देखा बहुत ध्यान से समझनी है बात छोटी सी बात है बट वेरी इंपॉर्टेंट जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं नाइन थ्री थ्री वन का रेशो हमें मिलता है नॉर्मल अब नाइन थ्री थ्री वन के रेशो में हमें कैपिटल आर अगर हम थोड़ा सा मेंडेलियन रेशो को देखें तो हम क्या बोलेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल स्मॉल वाई ये हमें रेशोज मिलते हैं नाइन थ्री थ्री वन में क्लियर है बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस सिंपल सा मतलब है कि इस वाले जीन ने इस वाले को क्या कर दिया मास्क कर दिया डोमिनेंट एपिस्टेसिस हो गया तो यहाँ पे ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे हो जाएंगे एक हो जाएंगे यानी कि ये वाला एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा क्लियर है तो यहां पे सिचुएशन कैसी आएगी सिचुएशन आ जाएगी डोमिनेंट वाले दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कंबाइन हो जाएंगे तो यहां पे नाइन प्लस थ्री इज ट्वेल्व सो वट इज द रेशियो या रेशियो इज ट्वेल्व इज टू थ्री इज टू वन यहाँ पे रेशियो so क्या आएगा ट्वेल्व थ्री वन

अगर एपिस्टेटिक जीन अपने डोमिनेंट फॉर्म में है तो वो दूसरे के एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा वहीं एपिस्टेटिक जीन अगर अपने रेसेसिव फॉर्म में है तो वो भी डोमिनेट कर सकता है सो व्हेन द एपिस्टेटिक जीन डोमिनेट्स इन इट्स रेसेसिव फॉर्म इफ एपिस्टेटिक जीन डोमिनेट्स इन इट्स रेसेसिव फॉर्म

कोट कलर इन माइस चूहों में जो कोट कलर होता है हम नॉर्मली चूहे देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत बार चूहे यूज किए जाते हैं तो वहां कलर देखने को मिलते हैं तो यहां पे उसी वेरिएशन को हम स्टडी कर रहे हैं ऐसा क्यों होता है तो यहां पे एल्बाइनो एल्बाइनो इज वाइट तो यहां पे वाइट को ब्लैक में कन्वर्ट करने के लिए एक जीन की जरूरत है और वो जीन है जीन सी तो यहाँ पे जीन सी जो एंजाइम बनाएगा वो एंजाइम वाइट कलर को ब्लैक कलर में कन्वर्ट करेगा यानी कि उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और प्रोडक्ट यहां पे ब्लैक कलर है सेम प्रोसेस है क्योंकि पिगमेंट बनाने के लिए एंजाइम की जरूरत है और एंजाइम बनाने वाला है सी वहीं जब ब्लैक कलर बन गया फिर से उसको क्या किस बनाने में? बनाने में में यानी कि ब्राउन कलर कोट बनाने में फुल ब्राउन कोट कलर बनाने में अगौटी बनाने में जीन ए की रिक्वायरमेंट है जीन ए फिर से एंजाइम एंजाइम बनाएगा बनाएगा और बनाएगा, तो यहां पे ब्लैक कन्वर्ट्स इनटू अगाउटी मतलब क्या है कि केवल अगर ब्लैक बनाना है तो सी जीन इज रिक्वायर्ड अगर अगावटी बनाना है तो बोथ ए एंड सी इज रिक्वायर्ड अगौटी के लिए दोनों डोमिनेट का होना जरूरी है ब्लैक तो के, के, के लिए केवल सी का होना जरूरी है और एल्बाइनो के लिए व्हाइट के लिए किसी भी डोमिनेंट अलील का होना जरूरी नहीं है यहां पर काम चल जाएगा तो यहां पर जब कॉम्बिनेशन बनाया गया तो कॉम्बिनेशन में कैसे बनाया यहां पे अगाउटी एंड एल्बाइनो के बीच में क्रॉस कराया कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल ए क्रॉस विद स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल ए एंड स्मॉल ए दिस इज एल्बाइनो एंड दिस इज ए गाउटी क्लियर अब यहां पे क्या हमें ध्यान रखना है कि यहां पे जो जीन यहाँ पे जो जीन सप्रेस कर रहा है वो रेसेसिव जीन है यहां पे जो जीन काम कर रहा है जो दूसरे का एक्सप्रेशन को रोक रहा है वो रेसेसिव जीन है तो यहां पे कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों डोमिनेंट है कैपिटल ए भी है कैपिटल सी भी है तो कलर आएगा एफ जनरेशन में सभी का एगा यहाँ पे सारे एगावटी बने क्लियर नाउ एफ वन क्रॉस विद एफ वन एक गाउटी क्रॉस विद एक गाउटी तो यहां पे एफ टू जनरेशन मिलेगी और एफ टू जनरेशन में अगर हम मेंडेलियन क्रॉस के हिसाब से इसको स्टडी करें तो हमारे पास आउटकम्स बनेंगे अब वो आउटकम्स हमें जानने हैं वो कैसे बनेंगे जैसे कैपिटल सी कैपिटल ए एक सिचुएशन दूसरा कैपिटल C capital a, स्मॉल ए दूसरी सिचुएशन स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल सी कैपिटल ए एंड स्मॉल सी स्मॉल क्लियर है स्मॉल सी एंड स्मॉल ये चार सिचुएशन है अब ये सिचुएशन के हिसाब से आउटकम्स क्या बने यहां पे कुछ भी हो, यहां पे कैपिटल सी हो सकता है यहां पे कैपिटल ए हो सकता है सिचुएशन यहां पे कोई भी हो सकती है कोई भी जीन यहां पे हम रख सकते हैं Clear है बट हमें डोमिनेंट और रेसेसिव हमने यहां पे प्लेस कर दिए हैं अब हमने क्या पढ़ा था जब जीन सी भी है और जीन ए भी है तो दोनों जीन के वजह से जो कलर कॉम्बिनेशन बन रहा है जो कलर बनेगा लास्ट में जाके दैट इज अगा ये बन गया है अगटी जहां पे केवल सी जीन है वहां पे मिला ब्लैक कलर वहां पे क्या मिला ब्लैक कलर क्योंकि जब एल्बाइनो ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा था तो वहां पे सी जीन ने उसको कन्वर्ट किया था एंजाइम बना के ये चीज हम पढ़ चुके हैं फिर पहले लास्ट वाले सिचुएशन पे आ जाते हैं यहाँ पे रेसेसिव हैं सारे फैक्टर्स तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स रेसेसिव हैं तो एल्बाइनो ये सारे गोरे ऑल आर वाइट ये सब सफेद बनेंगे बट सिचुएशन यहाँ पे बनती है ए के लिए सिचुएशन बनती है ए के लिए ए क्या कर रहा है ए अगाउटी में ब्लैक को अगाउटी में कन्वर्ट कर रहा है ये हमने पढ़ा है ए ब्लैक को अगाउटी में कन्वर्ट कर रहा है बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रेसेसिव एपिस्टेटिक जीन तो यहां पे रेसेसिव एपिस्टेटिक जीन कौन सा है सी जीन the c gene mask the expression of this dominant gene abhi ye prabhavi hai aur ye iske expression ko rok dega aur isko express nahi hone dega and this small c is responsible for white color so this combination will become albino इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे Albino क्योंकि यहां पे इसका एक्सप्रेशन मास्क हो गया छुप गया तो यहां पे रेसेसिव जीन ने इस डोमिनेंट जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया सप्रेस कर दिया तो रेशो क्या बनना चाहिए था मेंडल के हिसाब से मैं वन ये बनना चाहिए था तो यहाँ पे नाइन अगाउटी है बिल्कुल है थ्री ब्लैक है बिल्कुल है बट एल्बाइनो कितने हैं एल्बाइनो है थ्री प्लस वन फोर रेशो विल बी नाइन थ्री थ्री वन अगर हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस पता है मेंडल का और हमें एपिस्टेटिक जीन में डोमिनेंट सिचुएशन पता है एपिस्टेटिक जीन में सिचुएशन पता है तो हम इस क्रॉस को आराम से कर लेंगे और इसका एक बहुत अच्छा याद रखने का तरीका क्या है तरीका यह है कि रेशो क्या है मेंडल का नाइन थ्री थ्री वन क्लियर है तो यहां पे अगर हम सिचुएशन वाइज देखें तो यहां पे सी कैपिटल है और सी स्मॉल ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में रेसेसिव जीन ने मास के इसको तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो दिस कॉम्बिनेशन विल बी फोर तो रेशियो विल बी नाइन इज तो टू थ्री इज तो टू फोर रेसेसिव एपिस्टेटिक का एपिस्टेटिक जीन का कॉम्बिनेशन क्या है नाइन इज तो टू थ्री इज तो टू फोर दैट इज फिनोटिपिक रेशियो ऑफ रेसेसिव एपिस्टेसिस क्लियर है ये इंपॉर्टेंट है क्लियर हमने इसको पूरे को समझ लिया है आपको केवल ये सिचुएशन समझ आनी चाहिए कि सी ब्लैक बनाएगा और सी और ए दोनों मिलके अग्गा उठी बनाएंगे और अगर कोई भी डोमिनेंट नहीं है तो एल्बाइनो बनेगा बट यहाँ पे रेसेसिव स्मॉल सी है हैसिव जीन कौन सा है स्मॉल सी दैट इज एपिस्टेटिक जीन विच सप्रेस और मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर जीन वेदर इट इज डोमिनेंट और इन इट्स फॉर्म अदर जीन नॉन अलिलिक जीन किसी भी फॉर्म में हो वो उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगा